शेडिंग के लोग आए और उनके में बैठे बच्चे पर मैंने सबके अलावा आज यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हैं टीचर्स है स्टूडेंट्स है आज का ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट इसके एक प्रोग्राम रखा गया है जो नतीजे मिले धीरे धीरे ओवैसी साहब ने सोचा आज जो मौजूदा हालात पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं उसके लिए हम जोड़कर अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए जिसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। काफी स्कूल के बच्चियां भी है यहाँ पे कॉलेज के भी है तमाम लोग आए हैं। ये जो शी टीम के जो एक्सप्लेन किए हैं भाविया मैडम मेन मकसद ये था कि तेलंगाना बनने के बाद में एक शी टीम यहाँ पर इसीलिए रखी गई है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और ज्यादतियां हो रहा है वो हमारी औरतों के साथ हमारी बच्चियों के साथ यहाँ तक के आज इतना बुरा वक्त आ गया है कि स्कूल के मासूम नन्हे मुन्ने बच्चियों की भी सेफ्टी नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए स्कूल मिले तो आज लोग ये समझते थे कि अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए तालीम जरूरी है ये भरोसे से कोई अच्छा स्कूल सेलेक्ट करते थे और यही सोच के सेलेक्ट करते थे क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को 3 साल अपने साथ रखकर जब जुदा कुछ घंटों के लिए करती है तो उसकी सोचो फिक्र ये होती थी कि मेरे बाप से मेरी लख्त जिगर जब कोई स्कूल जाएगी तो वहां पर उसकी अच्छी देखभाल होना और उसकी अच्छी तालीम होना। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज लोग ये कहते हैं कि स्कूल को जाते हैं मगर स्कूल कितने भी काफी जितने भी ये प्राइवेट स्कूल है ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इन लोग को बच्चे और बच्चियों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। इनको अगर कोई फिक्र है अगर कोई बच्ची फीस नहीं देती है तो उसको पेरेंट्स को प्रेशर करके फीस की फिक्र करते हैं मगर बच्ची की सेफ्टी की फिक्र नहीं करते हैं। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ नफीबे मिल्लत की इजाजत से आज सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के चाहे वो डीओ हो या डिप्टी हो या फर्ज करिए कलेक्टर हो इन लोग हमेशा न सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल बल्कि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी कुछ एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे हमारे बच्चियों को बिल्कुल यू समझिए कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए। विंग्स कुछ ऐसे बनाना चाहिए जिस विंग के अंदर अगर कोई बच्चियां है तो उनकी देखभाल सिर्फ औरतें ही करना या हमारी माँ बहन करना वरना कोई मर्द नहीं करना चाहिए। मगर आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लोग एडमिशन लेकर बड़े बड़े बातें करते हैं एडमिशन के बाद ऐसी ट्रीट करते हैं कि जैसा कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज हमारे बच्चियों की हिफाजत माँ बाप की जरूरत भी है। आप जानते हैं हम स्कूल को तो भिजा देते हैं मगर हमारी बच्ची स्कूल कैसा जा रही है। अगर कोई इंसान कुछ पैसे वाला होता है तो अपनी गाड़ी में स्कूल भिजाता है अगर कोई इंसान पैसे वाला अगर नहीं होता है तो अपने ऑटो में भी जाता है या कोई बस में भी जाता है मगर कभी भी ये नहीं सोचते कि बस का ड्राइवर कैसा है या ऑटो वाला कैसा है या हमारी कार का ड्राइवर कैसा है। मासूम बच्चों के साथ मजाक किया जाता है वो बच्चियों को ऐसे बच्चियां जिसको कुछ मालूम नहीं होता है वैसे बच्चों के साथ खेलवाड़ किया जाता है। तो मैं आपसे अदबन दरखास्त करता हूँ मैं तमाम माओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि आप अपनी बच्ची की न सिर्फ हिफाजत करिए बल्कि आज ये जमाना आ गया है बच्चियों को पढ़ाने का क्योंकि हमारे जमाने के अंदर माँ बाप ये सोचते थे कि बच्ची को ज्यादा पढ़ा कर क्या करेंगे 7वीं क्लास तक अगर बच्ची पढ़ लेगी उसके बाद में उसको हंडी चूल्हा सिखा देंगे तो वो ससुराल में नाम करेगी। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे माँ और बाप हमारी बहनों को अल्लाह के बच्चों के साथ साथ बच्ची भी पढ़ना जरूरी है ये सोच के हमारे लोग बच्चियों को पढ़ाने भी जा रहे हैं। मगर मैं दरखास्त करता हूँ ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है खास तौर से बच्चियों के ऊपर ऐसी बच्ची जो बिल्कुल नादान होती है जिसको कुछ नहीं मालूम होता है वैसे बच्चियों के लिए माँ
अपनी बच्ची को इस तरीके से मोहब्बत करना चाहिए, जिस तरीके से यही सोचिए कि वो अपनी सहेली के साथ रहती है या अपनी बहन के साथ रहती है। अपनी बच्ची को कभी दूर नहीं करना चाहिए। कई माँ बाप ऐसे हैं, कई मेरे बहनें ऐसे हैं कि बच्चियों को तन्हा घर में अकेला छोड़ के खुद कहीं भी चले जाते हैं, शॉपिंग के लिए चले जाते हैं या अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए, सबसे पहले बच्ची की देखभाल के लिए आप अगर मुतमईन है तभी आप घर के बाहर जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम का आज के इस फंक्शन में खैर मुकदम करता हूँ। खासतौर से स्कूल और जूनियर डिग्री कॉलेज के तालिबात का, स्कूल और डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज के तमाम असातिज़ा और प्रिंसिपल का, इसी टीम के जिम्मेदारों का और डिप्टी डी ओ साहब का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन की रुकने वल्दिया मोहतरमा आयशा रूबीना साहिबा का और मुतालिका रुकने असम्बली जनाब कौसम महुद्दीन और मेरे मजलिस रुफा का। ये वुमेन एंड चाइल्ड अवेयरनेस कैंपेन के सिलसिले में जो आप तमाम लोगों को यहाँ पर आने की ज़हमत दी गई, इसका एक मकसद ये है कि बच्चियों के दिलों से जो खौफ है उसको निकाला जाए। छोटे बच्चियों को ये बात उनको समझाया जाए कि कोई भी गैर मर्द आपको छू नहीं सकता, और अगर किसी बच्ची को अगर छूने का अख्तियार है तो सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप को है और उसके बाद किसी को नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो अगर कोई बच्ची बीमार पड़ती है तो जब हम दवाखाने को लेकर जाते हैं तो जाहिर है टीबी जांच के लिए डॉक्टर जांच करता है। मैं यहाँ पर मौजूद छोटे बच्चियों से जो स्कूल के तालिबात हैं उनसे बात कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, वो माशरा बहुत खराब हो चुका है और उस माशरे में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे दरिंदे हैं जो इंसान और मर्द के रूप में शैतान बन चुके हैं, जो ना सिर्फ अपनी हवस का शिकार, अपनी दरिंदगी का शिकार ख्वातीन को नहीं बल्कि अब ख्वातीन से इतने गिर चुके हैं कि ये लोग मासूम बच्चियों को तक तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप तमाम जानते हैं कि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर एक स्कूल है, उसमें एक 4.5 साल की बच्ची से जो हरकत की गई वो काबिल मजम्मत है। इसलिए हमने सोचा कि आपको स्कूल के मासूम बच्चियों को यहाँ पर दावत दी जाए। आपको बुलाकर सी टीम के जिम्मेदारों ने, मैडम ने बड़े साफ और वाज़े अल्फाज में आपसे बताया कि पुलिस का नंबर क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और आपको पुलिस की तरफ से ये पूरा तहखुन दिया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, अगर कोई मर्द शैतान बनकर अगर आपसे बदतमीजी करता है तो ना सिर्फ पुलिस बल्कि आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन और हम तमाम लोग आपके साथ ठहरेंगे और ऐसी हरकत करने वालों को सख्त से सजा दिलाएंगे, उनको पुलिस से गिरफ्तार करवाएंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो किसी से भी इस तरह की बदतमीजी हरकत ना कर सके। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप बोल्डली डरिए मत, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ये बदतमीजी करता है तो फौरन, जैसा कि आपको सी टीम के जिम्मेदार ने बताया कि अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को इसकी इत्तला दीजिए
और फिर आप स्कूल के इंतजामिया को बताइए, अगर आप जरूरत समझते हैं अगर आप, तो हमारा मजलिस के जिम्मेदारों को या किसी खानदान के बड़ों को बताइए, मगर खामोश मत रहिए, हरगिज खामोश मत रहिए। आप की उम्र जो है 10-12 साल, ये 6 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, हम ये चाहते हैं कि उम्र उनके दिलो दिमाग में उनके खुशगवार मेमोरीज हो और वो उस उम्र के उस हिस्से को अपनी जिंदगी में इंजॉय करें कि हाँ। और इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी में माशरे में हैं, इनसे हमारे बच्चों का तहफ्फुज़ किया जा सके। तो यही चंद बातें थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। थोड़ा हमको, मैं माजरत भी चाहता हूँ कि हमारे इंतजाम में थोड़ा सही इंतजाम नहीं हुआ कि हमको डेरा बढ़ाना चाहिए था, कुर्सियों का इंतजाम करना चाहिए था, मगर इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश हम पूरे इखलास के साथ कर रहे हैं कि हमारे मासूम बच्चियों के बचपन को बचाया जाए, हमारे बच्चियों के उनकी जवानी को बचाया जाए, ताकि वो एक अच्छे माशरे को हम तश्कील दे सके। और ये जरूरी है कि हम अपने बच्चियों को, छोटे खास तौर से छोटे बच्चियों को, हमारी कॉलेज के और डिग्री कॉलेज के बच्चियों का तहफ्फुज़ करें। और इसी सिलसिले में यहाँ पर आपको एक पेपर स्प्रे दिया गया है, मैं बच्चियों से हमारे कहूँगा कि इस पेपर स्प्रे का इस्तेमाल सिर्फ उन शयातीन के खिलाफ इस्तेमाल करिए जो आपकी जिंदगी को महाल करना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं। यहाँ पर गोलकुंडा पुलिस के जिम्मेदारान भी हैं, हमने भी उनको और डीसीपी और कमिश्नर पुलिस को साफ कहा है कि कहीं पर भी किसी जगह पर अगर कोई नौजवान बच्चा या कोई मर्द किसी बच्ची को छेड़खानी करता है या ईव टीजिंग करता है, तो याद रखिए जेल जाना पड़ेगा। और 1-2 मरतबा होगा तो आपकी ओडीसी खोली जाएंगी। उसके बाद जैसा कि मैडम ने कहा कि पीडी एक्ट लगेगा और पीडी एक्ट में आप 6-12 महीने जेल में सड़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि तमाम कानूनी मिशनरी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। बहरहाल एक मकसद ये भी है कि उन लोगों को जिनके जहनों में एक फितूर है, इस कसम की सोच है, उनको भी समझाया जाए, उनको डराया जाए। और मैं अपनी बच्चियों से, आपसे भी अर्ज करना चाहूंगा कि आप बिना खौफ, आप अगर आपसे कोई छेड़खानी करता है, आप अपने माँ बाप को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को, लेक्चरर्स को बताइए और हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ठहरेंगे। जो कुछ भी आधा स्कूल में हुआ वो काबिल मजम्मत है। और मुझे इस बात का उससे ज्यादा अफसोस ही है कि स्कूल के इंतजामिया में इतनी भी गिरत नहीं है, इतनी भी इंसानियत नहीं है कि वो जाकर उस 4.5 साल की बच्ची के बाप के साथ इजहार हमदर्दी करे। बहरहाल वो जो हरकत किए हैं उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम डीओ साहब से भी, डिप्टी डीओ साहब से कहूंगा कि साहब आप ऐसे स्कूलों पर फौरन एक्शन लीजिए, आप उनके जो लाइसेंसेस है उसको कैंसिल करिए। हम अपने बच्चियों को स्कूल को भिजाते हैं तो ये सोच कर भिजाते हैं कि स्कूल में और कॉलेज में हमारे बच्चियों का तहफ्फुज़ होगा। अगर वो स्कूल वो कॉलेज अगर किसी बच्ची का तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम साबित होता तो वो तालीमी इदारा नहीं है, वो उसको काबिल नहीं है उसको तालीमी इदारा कहने का। तो मैं डिप्टी डीओ साहब से भी और कलेक्टर साहब से भी हमने मिलकर कहा कि आप एक्शन लीजिए। और मैं आज के इस मीटिंग से हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम स्कूल और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को वार्न करता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके स्कूल में हमारे बच्चियों से किसी भी किस्म का कोई ऐसी तरह की हरकत ना हो। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होगा तो हम आपके साथ नहीं बल्कि मजलूम के साथ ठहरेंगे, आपके इंतजामिया के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो ये तमाम स्कूल और कॉलेजेस के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का नोट लें, इन बच्चियों का तहफ्फुज़ करें। और जो माँ बाप जो ख्वाब देखते हैं कि हमारी बच्ची स्कूल को जाए, तालीम याफ्ता बने, इल्म हासिल करे और उसका तहफ्फुज़ हो, अगर मेरी बच्ची जूनियर कॉलेज जाती है, डिग्री कॉलेज जाती है, तो उसका भी तहफ्फुज़ हो। ये कॉलेज के इंतजामिया का काम है, ये माशरे का काम है,
ये सियासतदानों का, हम जैसे सियासतदानों का काम है, ये पुलिस का काम है, बल्कि पूरे सोसाइटी के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चियों की, अपनी बेटियों की हिफाजत करें। उनको अगर हम ताकतवर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि हम उनकी हिफाजत करें, उनके हिफाजत करें, कोई उनसे किसी तरह की हरकत ना कर पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम तमाम के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हम एक सियासी जमात होने के नाते हम इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से स्कूल के असातिज़ा का, तालिबात का, जूनियर ग्रीन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, सी टीम के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में इन नन्हे मुन्ने बच्चियों से कहूँगा कि आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप डर जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। बच्चियों को डरना नहीं चाहिए, खौफ को अपने दिल में आने मत दीजिए। अगर डरना है तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए। मगर अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर ऐसा शैतान, ऐसा कोई दरिंदा अगर आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो आप फौरन अपने माँ बाप को, अपने जिम्मेदारों को, सी टीम को बताइए, हमको बताइए, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे सर फिरे ऐसे किस्म के लोगों का उनको बचाएंगे नहीं बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का और सभी यहाँ मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों, बच्ची लड़कियों का और कॉलेज से आए हमारे लड़कियों का कि वो लोग यहाँ आए और बहुत गौर से हर एक की बात सुने। अभी आपका वक्त है कि आप लोग ये सब चीजों पर अमल करें और बिल्कुल जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल डरना नहीं। और आप लोग सब अगर थोड़ा भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ सब इन शुक्रिया ठीक है।